हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम खेल रहे हैं यूरो ट्रक सिम्युलेटर 2। मल्टीप्लेयर नहीं होगा, ये सिंगल प्लेयर ही है हमारा। और अगर आप लोगों ने यूरो ट्रक सिम्युलेटर 2 को फॉलो करा है, रेनॉल्ट को फॉलो करा है, तो आप लोगों को ये भी पता होगा कि आज मैं यहाँ पर क्यों हूँ। तो आज हम रेनॉल्ट ट्रक्स के शोरूम के बाहर हैं और ये हमारा रेनॉल्ट मैग्नम एक्सेलेंस ट्रक है। तो यहाँ पर मैं क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि एक्चुअली रेनॉल्ट ने गेम में, यानी कि हमारे SCS सॉफ्टवेयर ने दो रेनॉल्ट के और ट्रक्स डाले हैं इस गेम में। तो अब हम जाएंगे अपने गराज, हमारा जो शोरूम है सॉरी, और शोरूम में देखते हैं कि हमारे लिए क्या होगा यहाँ पर अवेलेबल। तो चलो वापस कैबिन में चलते हैं। एंड जो ट्रक की रेंज होगी, जो नाम है ट्रक का, वो है रेनॉल्ट ट्रक्स टी रेंज। तो ये यूरो ट्रक सिम्युलेटर 2 का एक नया अपडेट आया है, उसमें ये हमें मिला है। तो हम आ चुके हैं अपने डीलर के पास। जल्दी से हम लास्ट जो ट्रक है, 10th वाला, ये देखो, ये हमारे पास ट्रक था। तो जो नए जो हमारे पास ट्रक आए हैं वो हैं टा। ये हमारा पहला ट्रक है रेनॉल्ट टी हाई स्लीपर, जो कि सीरीज टी में से आता है, तभी इनका रेंज टी कहा गया है। चैसी है 4x2 की, कैबिन हमारी हाई स्लीपर कहा जाता है इसे। स्टीयरिंग व्हील लेफ्ट हैंडेड, इंजन पावर 480 हॉर्स पावर का है, इंजन टॉर्क 2400, गियर बॉक्स ऑप्टी ड्राइवर AT2612FR, फ्यूल टैंक हमारा है 1045 लीटर, काफी सारा है क्योंकि ये एक्चुअली 4x2 का ट्रक है अभी। एंड एडिशन टी हाई स्लीपर, लिस्ट प्राइस अराउंड 2 लाख यूरो। नेक्स्ट हमें क्या मिला है, ये रहा हमारा दूसरा वर्जन। तो सामने से देखने में पता चल रहा है कि चैसी का डिफरेंस है एक तो। एनीवेज हम चेक करते हैं अभी इंजन पावर और इंजन टॉर्क में भी डिफरेंस आएगा। तो ये हमारा है रेनॉल्ट टी हाई स्लीपर, इसका नाम भी सेम है, इसका नाम भी सेम है, सीरीज टी, चैसी 6x2, ये रही टैग लिफ्ट, कैबिन हाई स्लीपर, स्टीयरिंग लेफ्ट हैंडेड, इंजन पावर 520 हॉर्स पावर है, इसकी 480 थी, इंजन टॉर्क 2400 से 2550 पे बूस्ट कर दिया है, और हमारा जो गियर बॉक्स है वो है ऑप्टी ड्राइवर AT2612FR, जो कि बिल्कुल सेम है। लेकिन जैसे मैंने कहा था, चैसी बड़ी हो जाएगी तो हमारा फ्यूल टैंक छोटा हो जाएगा। तो फ्यूल टैंक इसमें है 765 लीटर्स का, पेंट ब्राइटली व्हाइट, और लिस्ट प्राइस है 222686, काफी महंगा हुआ लेकिन दिखने में काफी सॉलिड लग रहा है। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो आया है अगर हम कंपेयर करें इससे, तो ये देखो कितना क्लासी लग रहा है ये। तो इन्होंने अपने वेबसाइट पे ये लिखा था कि इनको हमारा रिएक्शन, हम लोगों को रिएक्शन अच्छा लगा, इवन तो मैं फॉलो नहीं करता SCS सॉफ्टवेयर को, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन हमने इतने दिनों से मल्टीप्लेयर ही ट्राई कर रहे हैं, इसीलिए मैंने गेम को अपडेट भी नहीं करा बाई चांस, और अपडेट मुझे आया भी नहीं था, थोड़ा लेट आया। तो इन्होंने ये बोला है कि जो टी सीरीज है, बहुत कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शन मिलेगा हमें, दो कैबिन्स हैं जो कि ये और ये, और हमें क्या मिल रहा है, 6 चैसी है, 6 इंजन है, 7 ट्रांसमिशन है, 5 इंटीरियर है, और बहुत सारी एक्सेसरीज कह रहे हैं। ये थर्ड मेंबर है रेनॉल्ट ट्रक के फैमिली का, और इन्होंने ये भी लिखा है कि गेम चेंजर होगा रियल वर्ल्ड में जो ये ट्रक है। अच्छा, क्योंकि लोग इस ट्रक को अपना प्राइमरी ट्रक बना रहे हैं, हम भी टेस्टिंग करेंगे इस ट्रक की अलग अलग लोड से। तो जो टी रेंज है वो फ्री एडिशन आता है हर ओनर को, जिसके पास ये गेम है उसको ये फ्री में मिलेगा, ठीक है, जिन्होंने खरीदा हुआ है गेम को। आप गेम को स्टीम से अपडेट कर सकते हो अगर आपने नहीं करा है, उसमें मिल जाएगा आपको। एंड आप लोगों ने ट्रक तो देख ही लिया है, तो मैं इस एपिसोड में सोच रहा हूँ या तो मैं सिर्फ ट्रक को मॉडिफाई करके आप लोगों को दिखाऊंगा दोनों ट्रक, एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग कभी ट्रक ट्राई कर लेंगे, एक बार इंजन स्टार्ट करके तो देख ही लेंगे, ठीक है। तो फ्लीट, अच्छा फ्लीट इज नॉर्मल, ये तो हमें चाहिए नहीं। तो हम पहले रेनॉल्ट टी हाई स्लीपर लेंगे 4x2 का, इसको हम थोड़ा कस्टमाइज कर लेते हैं। इस वीडियो में हम थोड़ा कस्टमाइजेशन पे ध्यान देने की कोशिश करेंगे। एक स्लीपर है वो हम लगा नहीं सकते, हाई स्लीपर ही डिफॉल्ट है, वही रहने देते हैं। चैसी हम 6x4 पे इसको कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हो जाएगा। क्या डिफरेंस है, कोई पार्ट्स हट सकते हैं, क्या पार्ट्स हट सकते हैं इसमें,
इफेक्टिव व्हील बेस हमारा चेंज हो जाता है, एक्सल काउंट इसमें हमारा चेंज हो जाता है, लेकिन हमें तो फिर इसमें तो फिर हमारा फ्यूल का भी चेंज हो जाना चाहिए। उप्स, ट्रक एनालिसिस को ऑफ कर दिया। तो इसमें देखो फ्यूल के बारे में हमें अभी पता नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको 6x4 कर दूं और चेंजेस को देखूं, कंफर्म कर दूं, तो यहाँ पर हमारा फ्यूल टैंक देखो 765 लीटर्स का हो गया। कस्टमाइज कॉन्फ़िगरेशन में अगर मैं वापस जाऊं, ओके ये लोड कर रहा है स्टीम इन्वेंट्री से, वापस अगर मैं जाऊं और 4x2 को सिलेक्ट करूं, ठीक है 4x2 एक ये है और 4x2 एक एक्स्ट्रा टैंक है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? एक्स्ट्रा टैंक, लेट्स चेक। जो 4x2 चैसी है हमारी वो हमें 1050 लीटर दे रही है, लेकिन अगर हम कस्टमाइज पे जाते हैं और कस्टमाइज पे जाने पर एक्स्ट्रा टैंक कर देते हैं और कंफर्म करते हैं, तो 1050 से हो गया 1500 लीटर। तो ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टैंक का ये मतलब है। हम चैसी को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हम 4x2 या फिर 6x4 पे ही जाएं। तो इस वीडियो के लिए हम सबसे महंगा यानी कि 6x4 पे छोड़ने की कोशिश करते हैं। मैन्यूवरिंग के लिए ये आसान है तो 4x2 भी कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड है इस बार चलो स्टैंडर्ड ही ट्राई करते हैं, लेकिन हम ट्रांसमिशन को कर सकते हैं चेंज, शायद ये प्रॉब्लम देगा। तो ये हमें बाकी चेंज नहीं करने दे रहा, जो डिफॉल्ट है वही है। अगर हम ये चेंज करेंगे तो शायद कुछ कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो। वापस अगर हम चैसी पे जाएं और देखें तो करने तो दे रहा है, लेकिन उससे फ़र्क किस में पड़ रहा है? हैवी कार्गो में, तो कोई बात नहीं। तो ये थे हमारे इंजन्स। वापस बढ़ते ट्रांसमिशन पे, तो ट्रांसमिशन पे काफ़ी सारे ट्रांसमिशन हैं। हमने ये AT2612 FR लिया था 12 स्पीड वाला, लेकिन इस पर एक्सटेंडेड वाला भी है जो कि हमारा हिल्स और मैन्यूवरिंग के लिए बहुत इजी कर देता है, दैट्स नाइस। इंटीरियर तो देखें, अरे वाह, हम अभी एक्सक्लूसिव ब्लैक पे हैं। शुरुआत स्टैंडर्ड 2013 से हुई थी। सॉरी मेरे बैकग्राउंड में गाड़ी ज़्यादा हॉर्न बजा रही है, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, लेकिन इग्नोर दैट। ये यूके, तो इसमें स्टैंडर्ड 2013 और स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है? इसमें GPS छोटा सा है और इसमें GPS है ही नहीं क्या? ये GPS शायद ही है, वो हमें चेक करना पड़ेगा आगे। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्लूसिव 2013। ओके, थोड़ा मॉडलिंग हुआ है ट्रक को। ओए, तो काफ़ी स्पेस है इस ट्रक में। वो अच्छा, ये बेड देखो ऐसा है, इस पर कॉलिंग के लिए शायद है, ये कॉलिंग ही होगा। नेक्स्ट स्टैंडर्ड में कुछ और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, यहाँ पे डिफरेंस नहीं आता है, जो भी हो रहा है डैशबोर्ड में ही हो रहा है, यहाँ पे नहीं है कोई डिफरेंस। कोई बात नहीं, हम इसके अलावा स्टैंडर्ड और एक्सक्लूसिव 2013 में अगर हम देखें तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पर भी ये देखो कितना चेंज आ जाता है। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? तो एक्सक्लूसिव 2013 और एक्सक्लूसिव को अगर हम कंपेयर करें तो क्या कोई डिफरेंस है इसमें? अभी तक तो अच्छा, यहाँ पे है डिफरेंस, GPS का फिर डिफरेंस आ गया। तो एक्सक्लूसिव ओके, और एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव ब्लैक में नाइस कार्बन फाइबर लग रहा है सारा। ये देखो, ये बेसिक लग रहा है, ये कार्बन फाइबर लग रहा है। सीट्स का कलर भी हो जाता है ब्लैक, वेरी नाइस, वंडरफुल। इंटीरियर्स भी हमारे सारे कार्बन फाइबर, अरे वाह, दिस इज अ वेरी नाइस इंटीरियर स्किन। ये लगा देते हैं और नेक्स्ट जाते हैं अपने पेंट पे। लेट्स सी पेंट पे कुछ नया आया है नहीं, पेंट पे अनफॉर्चुनेटली कुछ नया नहीं आया है, और हम अभी कोई स्किन नहीं लगाएंगे। जो आई थिंक ऐसे ही आया था ना ये ट्रक, ब्राइटली वाइट ही था शायद। चेंजेस पे देखें, हाई स्लीपर ब्राइटली वाइट, कुछ तो हमने कर दिया, छेड़छाड़ दिया। रीसेट करके देखते हैं, रीसेट कर देते हैं एक बार। हाँ, ये कलर था, टी हाई स्लीपर था, मैंने मिस कर दिया। कोई बात नहीं, हम जल्दी से डिफॉल्ट्स पे चले जाते हैं। तो एक्स्ट्रा टैंक लगाया था मैंने शायद, हाँ एक्स्ट्रा टैंक सही था। इसमें ये चेंज करो, इसमें ये चेंज करो, एक्सक्लूसिव ब्लैक सही है, कलर यही रखेंगे हम। ओके, मॉडिफिकेशन में देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पेंट रूफ रिफ्लेक्टर्स पीछे लगे हुए हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, हटा सकते हैं। बीकन हम लगा सकते हैं, ये वाला नहीं लगाएंगे अभी। पेंट
से मैचिंग कर सकते हैं हम अपना सन वाइजर, ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो, फ्रंट मिरर लगे रहने देंगे। यहाँ पर क्रोम सेट कर सकते हैं हम, थोड़ा डिफरेंस आता है यहाँ पे, देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है और पैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लगाएंगे। यहाँ पे देखो फिर से हमने आई वरुण को करना है, क्योंकि दैट इज़ मी वरुण। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप नए हैं। मैं यूरो ट्रक सिम्युलेटर और बहुत सारे सिम्युलेटर्स की वीडियोस डालता हूँ इसमें, इस चैनल में। सो दैट्स दैट। अब हम बढ़ते हैं। रिफ्लेक्टर यहाँ कहाँ से लगा हुआ है? ये रिफ्लेक्टर कहाँ लगा है? ये अंदर लगेगा क्या? एक मिनट, हम देख कर आते हैं अंदर। यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिल रहा था हमें, वाइट रिफ्लेक्टर और ऑरेंज रिफ्लेक्टर का, तो अंदर जाके देखें। अंदर तो कुछ नहीं दिख रहा मुझे, शायद बाहर ही होगा। यहाँ पे जाके वाइट रिफ्लेक्टर, कोई डिफरेंस दिख रहा है? नहीं, मुझे नहीं दिख रहा। ओह अच्छा, ये रहा ये रहा। ओके, स्किन मैच कर रही है उसकी, दैट्स नाइस। फेंडर बॉटम, आई थिंक वो पीछे होना चाहिए। ओह ये ओके। या तो उसको ब्लैक कर सकते हैं प्लास्टिक, या फिर पेंट कर सकते हैं, हम पेंट ही रखेंगे। ग्रिल हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि हमें नेचुरल ब्यूटी देखनी है ट्रक की। और हमें क्या ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे? पेंट जॉब में एक तो हमारा प्लास्टिक ग्रे, प्लास्टिक और पेंट है, दैट्स नाइस। और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, दैट्स दिस, ये इतना ही है। ओके, यहाँ पे हम लोअर ग्रिल गार्ड लगा सकते हैं, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। लाइट्स में एक हैलोजन है, नाइस, और एक ज़िनॉन है। ओह वेट, डिफरेंस दिख रहा है क्या आप लोगों को? पर्सनली मुझे डिफरेंस नहीं दिख रहा, आई थिंक वो जब सारी लाइट्स चलेंगी तो ही पता चलेगा हमें। हम ज़िनॉन ही रखेंगे, ज़िनॉन लैम्प्स आर नाइस। नेक्स्ट हम साइड्स में बढ़ते हैं, साइड में क्या क्या है? तो यहाँ पे साइड बैज लिखा है, बैज 520, बैज ब्लैक 520, ब्लैक छोड़ देते हैं। साइड डिफ्लेक्टर्स नहीं है, ये प्लास्टिक। ओके, फ्रंट फेंडर्स हमने सेट करे हुए हैं। इसमें हम कर सकते हैं अपना रनर वाला व्हील, और इसको हम अपडेट नहीं करेंगे। वैसे रनर नहीं, हम क्लासिक ही छोड़ देते हैं अभी के लिए, बाद में देखी जाएगी। ओके, डोर स्टेप्स में सर्पेंट लगा देते हैं। ओके, क्रोमियम लुक। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं खर्च करने के लिए। तो साइड स्कर्ट्स में देखो, एक तो ये आ जाता है, यहाँ पे क्यों हो रहा है? अच्छा, ठीक है, उस साइड का आ रहा है ये, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखते हैं, पेंटेड कवर है, प्लास्टिक दोनों साइड लगना चाहिए ना, ये दोनों साइड लग रहा है, ये अच्छा है। और ये है प्लास्टिक, कलर मैच करता है, और एक है पेंट। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? ठीक है, हाँ यही करेंगे, पूरा मैचिंग होना चाहिए सब कुछ, दैट्स दैट। साइड स्कर्ट, और क्या है ऑप्शन? ओ राइट, एग्जॉस्ट में एक फ्लो है आपके पास, एक मैग्मा है, और एक आपका वॉल्केनो है, दिस इज नाइस। वॉल्केनो रखेंगे हम, यहाँ भी कर सकते हैं क्या? अरे बहुत बढ़िया, सॉलिड। व्हाट्स नेक्स्ट? प्लास्टिक। ओके, यहाँ पे अभी हमें शायद ऑप्शन नहीं आया रियर फेंडर टॉप्स में कोई कलर चेंज करने का, क्योंकि हमारा ट्रेलर लगा होता है तो हमें ज़्यादा पता नहीं चलता। LEDs पे हमें क्या मिल रहा है मौका? हाँ हाँ, तो ये बेसिक लाइट्स हैं, ये चेंज हो जाती हैं तो ऐसे दिखती हैं। वैसे ये ज़्यादा ब्राइट लग रही है मुझे, लेकिन चलाने पे पता चल जाएगा। व्हील्स को हम चेंज नहीं करेंगे, वी विल लेट इट स्टे। ये पीछे क्या है? रियर मड फ्लैप्स, यहाँ भी हमें डिफॉल्ट ही है, कुछ अपडेट नहीं कर सकते। ये भी हो गया, सब कुछ तो अपग्रेड कर ही दिया हमने मोस्टली जो हम कर सकते हैं। ओके, ये भी रह गया। यहाँ पे प्लास्टिक होता है, जो हमारा डोर हैंडल है, पेंट होता है, और क्रोम होता है। एनीथिंग एल्स? आई डोंट थिंक सो, हमने कुछ मिस तो नहीं करा है, सब कुछ तो कर दिया है। हाँ एक्चुअली मैंने एयर हॉर्न लगाने का सोचा है, तो इस पे हम एयर हॉर्न ऊपर लगा देते हैं। सो एक थंडर है, इनको सुनना चाहिए, सुनने का भी ऑप्शन देना चाहिए इनको। थंडर लगा सकते हैं, टोन लगा सकते हैं, थंडर लगा देते हैं, दो थंडर, ठीक है, दो थंडर नहीं, थंडर 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 लगा दिया है। चलो इतना ही है, इसको अब हम कंफर्म कर देते हैं और इसको हम परचेज कर देते हैं। तो टोटल हो गया हमारा 2,32,000 यूरोस। परचेज करो, डू यू वांट टू ड्राइव योर न्यू ट्रक? तो चलो अब हम इसको ड्राइव करेंगे। तो इंजन पावर हमारी 480 से हो चुकी है 520, हमने चेंज कर दिया। फ्यूल टैंक 1500 लीटर, इंजन टॉक 2550। तो इस एपिसोड में मैं सिर्फ एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव ही करके आऊँगा। अभी हम प्राग में हैं, तो प्राग में छोड़ देते हैं। थैंक यू फॉर योर परचेज, एंजॉय योर न्यू ट्रक, वी विल टेक योर ओल्ड वन टू योर गैराज इन प्राग राइट अवे।
एनिमेशन को एंजॉय करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो नोटिफिकेशंस के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट ट्रक को, तो इस वीडियो में हम सिर्फ थोड़ा सा घूमी घूमी करके आएंगे। वी विल सी कि ये ट्रक की कैपेबिलिटी क्या है। एक्सीडेंट होगा तो कोई बात नहीं, रिपेयर हम फ्यूचर में कर देंगे, लेकिन अभी सिर्फ हमें ध्यान देना है परफॉर्मेंस पर कि स्पीड, ब्रेकिंग, इंटीरियर। एक्चुअली मैं इंटीरियर में एक चीज़ तो चेंज करना भूल ही गया, अभी हम वापस जाते हैं, गलती हो जाती है। ओके सो ये हमारा इंटीरियर आ चुका है, लेकिन पहले हम वापस जाना चाहते हैं, सो लेट अस गो बैक। ओ वहां से नहीं जा पाएंगे। ओके ट्रक स्टार्ट करके देख लिया है, थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट ठीक करा जाए, बहुत ज़्यादा आगे को हैं हम, थोड़ा पीछे जाना है क्योंकि आई वॉन्ट टू लुक एट आवर स्टीयरिंग व्हील। आई थिंक दिस इज इनफ, शायद ये हाँ इतना बहुत है, इतने में हमें सब कुछ दिख तो रहा है। जीपीएस भी ये रहा हमारा, हॉर्न चेक करें, एयर हॉर्न नहीं चल रहा भाई, एयर हॉर्न वो आई थिंक ये हमने थंडर लगाया इसलिए हॉर्न की आवाज ऐसी है। अभी एयर हॉर्न लगा के देखेंगे, थोड़ा लाइट भी देखते हैं एक बार। ज़ीनॉन, आ नाइस ज़ीनॉन लैंप्स। चलो भाई, अरे वाह, धासु ट्रक। चलो एक बार हम ट्रक कॉन्फ़िगरेटर में जाके इंटीरियर्स को देख लें, मैं गलती से भूल गया इतने सारी चीज़ों के चक्कर में। तो यहाँ हमें पोर्टेबल नेविगेटर लगाने का मौका मिल रहा है, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जीपीएस राइट में है। नेक्स्ट हमें ऑप्शन नंबर प्लेट, वो तो हमने लगाई हुई है। इंटीरियर में ओके, स्टीयरिंग व्हील में ऑप्शन था, हमने मिस कर दिया। एक स्टैंडर्ड है जो कि अभी लगा हुआ है, एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव ब्लैक। अरे वाह, एक्सक्लूसिव ब्लैक ही रखेंगे हम, कार्बन बॉल नहीं लगाएंगे इस पर। नेक्स्ट हमारा डैश है, डैश में क्या ऑप्शन मिलता है हमें, टाइफून मोबाइल अपना लगाने के लिए, इंडक्टिव कॉम्पस, एंडलेस नोरिशमेंट, वही सब बेसिक है, इसको हम नहीं लगाते हैं। और क्या ऑप्शन है हमारे पास, ऊपर हम ये सब लगा सकते हैं जो कि सब स्टैंडर्ड है, कुछ नया नहीं है, इसमें भी नया नहीं है। कर्टन लगाना नहीं है, नींद आ रही है मुझे देखकर, इसमें भी नहीं फ़ायदा। और यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, पेंडेंट्स लगा सकते हैं, ओहो विंडशील्ड सेट्स। तो अगर हमने ये चूज़ करा और यहाँ पे बीच में लगा दिया कोई क्या कहते हैं, रेनॉल्ट का है, रेनॉल्ट का पेंडेंट लगा देते हैं, चलो बाकी सारे पेंडेंट्स नहीं लगाएंगे। एक और लगा सकते हैं SCS सॉफ्टवेयर का या यूरो ट्रक का, फिर दिखेगा कम वैसे हमें, नहीं मैं हटा रहा हूँ अभी के लिए, बाद में दिखी जाएगी। फिर अंदर वही सेम है, यहाँ पे भी कुछ डिफरेंस तो नहीं आया है, या तो लैपटॉप या बैग पर्स यही रख सकते हैं, और नीचे भी सेम चीज़, कूल बॉक्स। ओ कूल बॉक्स, थोड़ा इलेक्ट्रिक कूल बॉक्स हो गया ये, हैंड बैग और वीकेंड ट्रेवलर बैग सेम चीज़ है। यहाँ पर भी वही है, डफल बैग। अपडेट तो वैसे अंदर कुछ ज़्यादा करा नहीं इन लोगों ने, मुझे लग रहा था कि अंदर भी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, चलो वो तो कोई बात नहीं, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पता ही। तो वापस कंफर्म, अरे हाँ हॉर्न लगाने थे ना, राइट। तो वापस इस पे जाते हैं और इस पे हम स्क्रीमर लगाते हैं कि स्क्रीमर क्या करता है भाई, एयर हॉर्न चाहिए हमें, तो हमें स्क्रीमर से हो या ना हो कन्फर्म करके चेक करके देखते हैं। तो अभी हमने हॉर्न के लिए, एयर हॉर्न नहीं चल रहा इसमें, सो हम एक बार ऑप्शंस में जाके, कीज एंड बटन्स में जाके देख सकते हैं अगर हमारा हॉर्न का किसने चेंज कर दिया हो। तो हॉर्न के लिए H और एयर हॉर्न के लिए N, लेकिन वो नहीं चल रहा है, तो या तो ये गेम का बग हो सकता है, तो उसके लिए हम एक और बार जाके देख लेते हैं। चलो कॉन्फ़िगरेटर में या तो मुझे लग रहा है हॉर्न के लिए आप लोगों को आगे ग्रिल पे लगाना पड़ेगा, तो कोई बेसिक सा अगर लग सकता है। ओह एक मिनट, एक चीज़ मैं मिस कर गया, ये हम लगा नहीं सकते, साइड स्कर्ट बार्स, क्योंकि हमने ओके यहाँ पे या तो देखो लाइटें जल सकती है या फिर यहाँ पर एग्जॉस्ट लगता है, अगर हमने लाइटें लगा दी तो
ऐसे लगेगा। नाइस, ओ वाओ, एक ये ऑप्शन है कटाना, एक रेंजर। रेंजर बेटर लग रहा है, यही सही है, हमें एग्जॉस्ट की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया, हमें हॉर्न लगाना है ना। हॉर्न कैसे लगेगा? लगेगा समुराई पे। वेट व्हाट? अच्छा, समुराई सिर्फ शो के लिए है, इसमें कुछ लगेगा नहीं। ओके एनीवेज, हटा के देखते हैं इसको। आ गया, इतनी सारी चीजें ना, समझ नहीं आ रहा है। ये लगा के देखते हैं, इसमें एयर हॉर्न होगा। स्क्रीमर लगा हुआ है इसमें भी, सब में स्क्रीमर ही है क्या? स्क्रीमर तो नहीं था लास्ट टाइम आई रिमेम्बर। लेट्स चेक। अरे इसको मॉडिफाई करने दो यार। हाँ इसको, अच्छा नहीं, इस पर कुछ लगा नहीं सकते। इस पर भी कुछ नहीं लगा सकते, इस पर लगा सकते हैं। स्क्रीमर ही है यार सब में तो। कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं फिर ड्रैगन फ्लाई लगा लेते हैं और स्क्रीमर लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर ये चेंज करता है, और ऊपर भी ऐसा करते हैं और हॉर्न लगा लेते हैं एक दो, रोड लगा लेते हैं, फर्क पड़ेगा तो पता चल जाएगा। ओ माय गॉड, कितना गंदा लग रहा है ना वैसे ऊपर। एयर हॉर्न नहीं चल रहा मन। ओके मैं ऊपर से ये सब हटा रहा हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा। नाइस, सो वो सर्विस पे नहीं जाना अभी, तो ब्रांड न्यू ट्रक है। ट्रक कॉन्फ़िगरेटर पे गए एंड वी विल बी रिमूविंग सामने वाला ये सारा। हटो, एंड ये भी हम हटाने वाले हैं। हटो, कंफर्म ऑर्डर। अब देखते हैं हॉर्न की आवाज क्या है, तो एयर हॉर्न है ही नहीं इसमें। एनीवेज थोड़ा सा घूम के आते हैं, इंटीरियर को देखो आप लोग, एंजॉय करो इसको। मैं जीपीएस हटा देता हूँ। ओहो, F3 से इंजन का आवाज सुनो। उत्तरी, ओए ओए, काफी सॉलिड लग रहा है ये। आई एम लाइकिंग दिस, वेरी नाइस। रेनॉल्ट ने और SCS सॉफ्टवेयर ने मिलके जो कोलैबोरेशन करी है, आई थिंक काफ़ी डिसेंट करी है। तो डैशबोर्ड में हमें क्या क्या मिलता है? हमारा फ्यूल का, टेम्परेचर्स, ब्रेकिंग का आई थिंक, एंड ये बंद हो गया, इसमें कुछ है नहीं। अगर ओके, स्पीडोमीटर जो है हमारा, काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स हैं जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं उन्होंने। मैं यही चाहता था थोड़े बड़े नंबर्स शो करें। अगर हमें ट्रिप पे जाना है तो आगे से राइट ले लेंगे और घूम के वापस आ जाएंगे। आवाज आ रही है मुझे, अपडेट में इन्होंने शायद हवा अलाउ कर दी है। अरे वाह, हवा की आवाज आ रही है मुझे, सच्ची हवा की आवाज आ रही है। नाइस, देखते हैं ब्रेकिंग तो सही है, रिटार्डर्स की आवाज कैसी आती है इसमें? आवाज कम है रिटार्डर्स की। ओहो, ट्रक ने यहाँ पे स्ट्रगल क्यों किया? वाइपर्स देखते हैं, स्टैंडर्ड वाइपर्स। स्पीड देखते हैं, क्वाइट फास्ट, फुल पे रखो तो। ओके, ब्राइट इनफ, इतना हमें चाहिए। ठीक है, ब्रेकिंग इज ऑल्सो गुड। हमें वापस कैसे आना होगा? कहीं हम किसी फ्रीवे पे चढ़ गए हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे कोई शायद ऑप्शन मिल जाए हमें वापस आने का। ओके, एक बार यहाँ रोक लेते हैं।
वेरी नाइस, ट्रक तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। सही है, अभी 4x2 की चैसी में भी अच्छा लग रहा है। लाइट्स जो साइड स्कर्ट की हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। ऑफ करो तो ऑन करो, रात को चलाने में काफ़ी मज़ा आएगा। चलो देखते हैं कि यहाँ से हम कैसे निकल सकते हैं, वरना इसी वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। पिकअप इज ग्रेट। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें अगर आप आगे की वीडियो भी देखना चाहते हैं, जिसमें मैं जो रेनॉल्ट के बाकी ट्रक्स हैं उनको करूँगा एक्सप्लोर। एक ही एक है लेकिन उनको करूँगा रिव्यू। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।